हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं बीबोल्ड बातें। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल के प्राइवेट पार्ट यानी पेनिस के आकार को लेकर। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या लड़कियों को आकार से फ़र्क पड़ता है, बड़े छोटे से फ़र्क पड़ता है क्या? वो मतलब बड़े बड़ा आकार का अगर पेनिस है तो उससे ज़्यादा संतुष्ट होती हैं, अगर छोटे आकार का है तो उससे संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। और लड़के भी उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है अगर उनका पेनिस साइज जो है वो सही है। तो आज इसी के बारे में पूरा फुल डिटेल रहेगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सही साइज़ क्या है, इसका सही आकार क्या है, नॉर्मल जब रहता है तब इरेक्ट होने के बाद कितना साइज़ रहता है, ये सारा कुछ इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लड़के भी अपने पेनिस के आकार को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी मतलब इस पे सर्च करते हैं। उनको लगता है हमारा जो पेनिस का आकार है वो सही नहीं है, उनको अपना छोटा लगता है और सामने वाले का बड़ा लगता है। तो वो अपने पेनिस को बढ़ाने के लिए कई दवाओं का यूज़ करते हैं, कई प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं ताकि उनसे उनका जो पेनिस का आकार है वो बढ़ जाए। और ये भी सोचते हैं कि हमारे जो फीमेल पार्टनर है पता नहीं वो हमारे मतलब पेनिस के आकार से संतुष्ट हो पाती है या नहीं, सेक्स के दौरान जो इसका आकार है उससे संतुष्टि मिलती है औरतों को या नहीं मिलती है, ये सारा कुछ उनके डाउट उनके दिमाग में डाउट रहता है। एक चीज़ हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि परफेक्ट पेनिस साइज के नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। इसमें केवल आपकी जो पार्टनर है फीमेल पार्टनर वो कैसे उसको आप कैसे खुश रखते हो और उस पर मैटर करता है, उनके डिज़ायर क्या हैं उस पर मैटर करता है। आप उनको फोर प्ले के द्वारा भी संतुष्ट कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर है कि अपने साइज के ऊपर आप फोकस ना करें। आपके पास जैसा साइज है वो आपके लिए अच्छा है, वही परफेक्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके चलते ना गलत गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसके कारण उनके पेनिस में काफ़ी चीज़ हो जाता है जो कि काफ़ी नुकसान करता है। एक शोध से पता चला है कि पेनिस का जो नॉर्मल साइज़ होता है बगैर इरेक्शन वो 2.8 से लेके 3.9 तक हो सकता है, ये नॉर्मल स्थिति में। और जब एक पेनिस इरेक्ट हो जाता है, इंटरकोर्स करने के लिए तैयार है, उस समय उसका जो साइज़ होता है 4.7 से लेके 6.3 तक हो सकता है। अगर इससे कम है, 3 इंच का है, इरेक्ट होने के बाद 3 इंच का है, 2 इंच का है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके पास जो पेनिस है उसका जो साइज़ है वो आपके लिए परफेक्ट है। आप अपनी जो पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर है, उसको देखो, उसको कैसा फील हो रहा है, वो संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर फ़र्क करता है बजाय आपके पेनिस के साइज़ को लेकर। एक सवाल ये भी आता है कि क्या पेनिस का साइज़ हम दवा यूज़ करके बढ़ा सकते हैं या मनचाहा आकार पा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि आपके पेनिस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये केवल मिथ है, ये भ्रम है। लोग चाहते हैं कि हमारा पेनिस का आकार जो है बड़ा हो जाए, तो इस चीज़ को रखते हुए जो कंपनी वाले हैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बट ये सत्य नहीं है। बगैर सर्जरी के आपका पेनिस का जो आकार है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है दवा से। तो आप फालतू के जो दवा हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, दवा की दुकान पे मेडिकल में अवेलेबल हैं, तो उन चीज़ों को ला के आप मत खाओ, वो आपके शरीर पे नुकसान ही करेगा। केवल उसको उसके आकार को बड़ा करने का एकमात्र इलाज जो है वो सर्जरी ही है, तो आप सर्जरी के द्वारा ही बढ़ा सकते हो, दवा का यूज़ करके नहीं। और जैसे आपका हाइट है, आपका रंग है, आपका रूप है, ये सारा कुछ जिन पे डिपेंड करता है, वैसे आपके पेनिस का साइज़ भी है। आपके पूर्वज जो हैं वो किस टाइप के हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका हाइट वगैरह क्या है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। उसके आधार पर आपके पूरे बॉडी की संरचना होती है, तो उसी पे आपका पेनिस का आकार भी डिपेंड करता है। तो ये भी है कि इंडिया के जो पुरुष हैं, जो भारतीय पुरुष हैं, उनका जो पेनिस का जो साइज़ है, लिंग का जो साइज़ है, वो औसतन कम है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है। लेकिन ये भी एक मिथ है। एक रिसर्च में पता चला है कि दुनिया में मतलब सबसे लंबे लिंग की श्रेणी में इंडिया के जो पुरुष हैं उनका जो लिंग है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो ये भी एक मिथ है। और 85% महिलाएँ जो हैं अपने पार्टनर के लिंग से संतुष्ट होती हैं।
आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि जो पेनिस का जो साइज है, जो लिंग का साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि एक औरत जो है पूरी तरह से संतुष्ट होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको फोर प्ले पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आप फोर प्ले को समझो, जितना आप फोर प्ले को समझोगे, उसके बारे में जानोगे, उतना ही आप अपने फीमेल पार्टनर को इंजॉय करा सकते हो, खुश कर सकते हो, उससे ही मतलब वो संतुष्ट हो जाएगी। आपको ये चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है, जैसा है, वो अच्छा है, वो परफेक्ट है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही बोल्ड टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।